चौकीदार प्योर है, चौकीदार प्योर है, डंके की चोट मोदी प्योर है, चौकीदार चोर नहीं है बल्कि दोबारा पीएम बनना श्योर है। हमारा प्रधानमंत्री मोदी 100 वर्षों तक डंके की चोट पर बोलो, मोदी सुभाष चंद्र बोस है, मोदी रविन्द्रनाथ टैगोर है, श्योर मोदी देश का भक्त है। सारी समाधान सारी समस्याओं का वही क्योर है, सारी समस्याओं का मोदी हमारा क्योर है। जहां तक बहनों भाइयों जो कुछ भी बाला, ये महान मोदी देश का सब सर्वोत्तम हमारा देशभक्त है। राजनीति की जा रही है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका श्रेय क्यों दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं के लोगों से, भूल गए वो 1971 जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और भारत की बहादुर सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान बन गया था और बांग्लादेश बन गया था। उस समय भारत की संसद में खड़े होकर हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी की सराहना की थी और सारा हिंदुस्तान उस समय इंदिरा गांधी का जय जयकार कर रहा था, इंदिरा गांधी जिंदाबाद का नारा दे रहा था। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर फिदाइन हमला करके 40-42 जवानों की को मारा गया था, यदि उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर जो काम किया है बहनों भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री का जयकारा क्यों नहीं होना चाहिए उसकी। जय मोदी, जय मोदी, जय मां भारत। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब भी हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसके लिए आवश्यक होता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है और जो सत्ता का मुखिया है वह अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे। 26/11/2008 का जो मुंबई का कांड हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ उस समय नहीं कर पाए, जबकि बड़ी संख्या में लोग हमारे मुंबई में 26/11/2008 के आतंकवादी आक्रमण में मारे गए थे, कुछ नहीं किया। राजनीतिक शक्ति और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम दोनों ताल से ताल मिलाकर चलते हैं बहनों भाइयों, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती है। यह बात मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं। यहां से लेकर वहां तक जितने भी आप सब खड़े हैं और यहां भी खड़े हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है, इसलिए आप लोगों के द्वारा भी एक बार हाथ उठाकर बहनों भाइयों अपने सेना और के शौर्य सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम का अभिनंदन किया जाना चाहिए। आप सबसे भी कहना चाहता हूं एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मित्रों यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अंतिम अपील आप लोगों से यही करूंगा, क्या दरियाबे भाई साहब ने करिश्माई काम इन्होंने भी संगठन में किया है। मैं जानता हूं 5.5 वर्षों तक मैंने भी संगठन चलाया है लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया सचमुच वह अमित भाई शाह ने अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में करके दिखाया। लेकिन राजराज तू बुरी याद है, आज हम महान राजराज, जय राजराज सिंह, जय देश के महावीर, राजराज की जय, सबसे बड़ी अमित भाई की जय, नरेंद्र मोदी की जय। राजराज तुम्हारे जैसे कुर्बानी देने वाला बहुत कम भारत ने पैदा लिया, साथ लेकर चलती है बहनों भाई। देश की बुनियाद की नींव है तो राजनाथ, हमारे लिए गठबंधन, हम कुर्बानी दो रहे राजनाथ, तुम्हारी भक्ति निष्ठा और निस्वार्थ भाव पर प्रतिबद्धता है, हम अपने सारे सहयोगों के साथ कंधे से कंधा मिला, आप बुनियाद की नहीं हुए राजनाथ, इसलिए आप सबके में जय राजनाथ, पूरी ताकत, जय भारत और हमारे वंदे मातरम, भारत माता की जय। निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हुए हैं उन्हें भारी मतों से जिताकर भारत की संसद में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अमित भाई शाह को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर धन्यवाद।